जी मैम, विजिबल है। हम मैम के गिटहब का इशू रिजॉल्व करने उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी, आप दिखा दें कि आपने रिपोजिटरी कहाँ पे बनाई हुई है। सर ये रिपॉजिटरीज बनी हुई हैं, इसमें जिस तरह अगर ओके, हम ये एंड इसी वक्त आप किस किस में अपलोड करना चाह रही हैं? इस वाली में, लूप फॉर यस सर, स्विच? चलें ठीक है, इसको कॉपी कर लें, इसको एको से लेकर मेन तक। कॉपी जी, नीचे सर एक मिनट ये टर्मिन। पूरा। जी, एंटर। सर अब वो जो थ्री कमांड्स थी वो एंटर करनी है। हाँ जी, गिट कमिट माइनस एम। गिट पुश जी, स्पेस को रिफ्रेश कर दें बैक जाके। जी सर ये नहीं हुआ अपडेट है सर, यही एक दफा दोबारा इशू हुआ कीजिए, एक दफा दोबारा कीजिएगा। ओके अच्छा, सर, वो कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं देता। स्क्रॉल अप कीजिएगा। सर क्या करूं? 1 मिनट, उसने कहा 0 refused, 0। ओके, डेल्टा राइटिंग ऑब्जेक्ट 100%। ओके, मेन पे उसने यहाँ से कमिट कर दिया है। ओके, इसको जरा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा। ऊपर इसने क्या मैसेज शो किया हमें? अच्छा, 3 files चेंज, 23 insertions, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ओके ओके मैम, आपने लॉग इन किया हुआ है अपना? ओके यस सर, अच्छा, इसको एक दफा दोबारा से रिफ्रेश करें रिपॉजिटरी को, और स्क्रॉल अप कर दीजिए एक दफा। ओके, ये इश्यूज हैं, इनसाइट्स हैं, सेटिंग्स हैं। अच्छा, मैं देखना चाह रहा था इसमें आपने एक्स्ट्रा ब्रांच तो नहीं बना दी है। पहले ना हम इसके लोग जब मैंने जी जी मशीन लर्निंग का कोर्स किया था तब हम ये रिपॉजिटरीज बनाते थे, उसमें हम ये करते थे कि जस्ट उस फुल फोल्डर को उठाकर और इसके अंदर ऐड कर देते थे, तो वो मुझे तरीका आता है लेकिन ना ये इससे नहीं हो रहा। ओके मैम, आपने गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल किया हुआ है उसके लिए? तो नहीं सर नहीं, फिर अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि आपने ना शायद कोई और सेटिंग्स अप्लाई की हुई हैं जिसकी वजह से ये नहीं कर रहा। अच्छा, इसकी ना इनसाइट्स में जाइएगा, इसी की फॉर लूप एंड स्विच की इनसाइट्स में, इनसाइट्स में, सिक्योरिटी में, या सेटिंग्स में, ये सब तीनों एक दफा चेक करना। ओके, कमिट कमिट्स कमिट नहीं आ रहा इसमें, कंट्रीब्यूशन या कुछ इस तरह का। ये जी हाँ, कमिट चेक करना, थर्ड फोर्थ नंबर पे है, बैक कर दे। ओके, आई थिंक इसमें ना हमें टाइम लगेगा, तो आज ऐसा करेंगे जैसे ही क्लास एंड हो रहा हम एक मीटिंग कर लेते हैं, उसके अंदर इसको कर लेते हैं। ठीक है ओके सर। सर। एक्सक्यूज मी जी मैम, सर इन्होंने जो रिपोजिटरी बनाई हुई है ना वर्डप्रेस की, इन्हें वो वाली ओपन करें सर। मेरा भी यही प्रॉब्लम था, मेरी सारी जो है ना फाइल्स वो सारी वर्डप्रेस में ही आ रही हैं जो मैंने रिपोजिटरी बनाई थी। जी मैम, आपका लेकिन रिजॉल्व हो गया या आपका भी इशू आ रहा मेरा रिजल्ट हो गया था है? अच्छा, आपने कैसे किया था बताएंगी? सर, इन्होंने जो फर्स्ट रिपोजिटरी बनाई है ना वर्डप्रेस उसे ओपन करें। लेकिन वो तो उस सूरत में होती है अगर मैंने उसमें कोड लिखा हुआ होता उसका, उसमें जस्ट ये जो सर इसका भी यही हुआ था, ये जो आपने वीडियो में बताया था ना एक लेक्चर में, तो मैंने सेम यही किया था सर। मैं वो सही कह ये रही हैं, वो फर्स्ट ऐसे मैसेज हुआ है। नहीं है ये वीडियो। अच्छा, एक एक काम करें, आप वापस जाएं वीएस कोड के अंदर,
ओ सर ये रही, वो सारी असाइनमेंट्स ये रही। सर मैं भी यही कह रही थी, सारी यहीं पे ही होती है। अच्छा ऐसे हुए कि ना आपने पहले अपना ओरिजिन जो है वो इस रिपोजिटरी का दे दिया है, अब आप ट्राई कर रहे हैं कि आप उसको किसी और रिपोजिटरी में पुश करें, तो वो ओरिजिन जो है वो पहले से इसका सेट हो चुका है, तो वो इसी के अंदर ही उसको पुश कर रहे हैं। तो जी अब सर, एक एक सारी दफा रिपोजिटरी इसी में ही आ रही है, वर्डप्रेस में भी आई, में ही आएंगी सारी। जी, अगर आपने न्यू बनानी है तो न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करें और न्यू फोल्डर क्रिएट करें, फिर उस न्यू फोल्डर को कमिट करेंगे तो फिर वो जाएगा। अच्छा एक दफा मैं सर आपको इसको, जी, रिपोजिटरीज तो मैंने सारी न्यू बना रखी हैं। लेकिन उसके लिए आपको फोल्डर भी न्यू बनाना पड़ेगा, ओके ठीक है? फोल्डर न्यू होना चाहिए, जो फोल्डर एक दफा आपने कमिट कर दिया उसके अंदर सब फोल्डर नहीं होना चाहिए, वो सेपरेट फोल्डर होना चाहिए। ओके सर, समझ आ गई। जी अच्छा, इसको एक दफा दोबारा कमिट करके देख लीजिएगा, फर्स्ट मैसेज की जगह कुछ और लिख दीजिएगा तो वो मैसेज चेंज हो जाएगा आपको, आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहीं पे ही पुश कर रहा है ये, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू मैम। अच्छा क्लास स्टार्ट करने से पहले किसी का क्वेश्चन, किसी ने ट्राई किया हो? सर वो स्टाइलिंग मैंने स्क्रीन शेयर किया था, स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। हाँ चलें आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दें, मैं आपको रिजॉल्व कर देता हूँ। यस सर। जी अच्छा, आपने फंक्शन बनाया है, ओके, नेम स्क्रिप्ट्स के नाम से, ठीक है, स्टाइल नेम दिया है WP NQ स्टाइल, ओके, इसमें URA दिया है, ओके ग्रेट, और इसके हेड में चाहिएगा हेड, हेडर, हेडर डॉट PHP। यहीं पे साइट खुला हुआ है, रुकिए मैं नोटेट कर देता हूँ। हाँ हाँ जी अच्छा, हेड दिया हुआ है, ठीक है, अपना वो इसको रन कीजिएगा लोकल से, लोकल आपने चलाया हुआ है? मैम आप भी चला लें जिन्होंने कमेंट किया हुआ है उतनी देर में। जी सर स्टार्ट हो गया, जी मैम। मैम रीमा ऐसे है कि आपने अगर लोकल चला लें तब भी ठीक है, अगर आप एग्जाम चला लें तब भी ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चला लें तो आपका वर्डप्रेस जो है वो लोकली रन हो जाता है। मैम एग्जाम पर एडमिन वाला बिल्कुल आता है, आप उसको लाइक MySQL स्टार्ट करें और अपाचे सर्वर स्टार्ट करें तो वो बिल्कुल सेम जगह पे खुल जाता है। आप एक अदर उसका यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे चल रहा होता है। एंड एंड पे हम सेम चीज कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, उसके अंदर आपको सेपरेटली वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक्सक्यूज मी सर, जी मैम
मैम जरा लाउड बोलें सर ये प्लीज। जी सर, सर ये जो आप बता रहे हैं कि इसके लिए वर्डप्रेस करना पड़ेगा, मतलब कि फिर इसके लिए अलग से वो करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा वर्डप्रेस लोकल जो आपने बताया हुआ था? मैम लोकल है ना, ये एक नया सर्वर है, ये क्या करता है कि आपके लिए ना काफी सारे काम कर देता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया, इसने ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, ठीक है। इसीलिए इसका थोड़ा सा साइज बड़ा है। और जो एग्जैम्प है उसके अंदर आपको वर्डप्रेस सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है। एग्जैम्प को पहले डाउनलोड करें, फिर साथ में वर्डप्रेस डाउनलोड करें, फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, फिर उसकी डेटाबेस सिलेक्ट करें, तो वो बिल्कुल सेम जगह पे आपको लाके खड़ा कर देता है, मतलब वो भी चल पड़ता है। उसका आपको ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। अगर आप कहती हैं मैं करवा दूं तो उसमें टाइम काफी लग जाएगा, अगर ना हो तो फिर बता दीजिएगा, हम कर लेंगे उसको। ओके सर, मैं ट्यूटोरियल देख लूँगी, अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हुई तो फिर मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँ। थैंक यू सर। जी अच्छा सर, सर इसको ना आप वो करें, राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलें। लास्ट ऑप्शन होता है सबसे नीचे। ओके अच्छा, अपना हेड हेड जो है उसको एक्सपेंड कीजिएगा। सबसे ऊपर HTML आ रही है, उसके नीचे हेड लिखा हुआ है। जी इसको, हाँ हाँ जी। अच्छा इसके अंदर उसने नेम है, स्क्रिप्ट है, इंक्लूड्स WP JS स्क्रिप्ट। अच्छा आपने ना कहीं गलती की है, आपने इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर दिया। अच्छा ये हेड हो गया, ठीक है। आप फंक्शंस पे दोबारा जाएं, आपने इसको कॉपी पेस्ट किया था उनकी वेबसाइट से, लाइक जो वर्डप्रेस ने ऑफिशियल दी हुई है। जी सर, मैंने गलती अच्छा ही ओपन कर कीजिएगा दिया फंक्शंस। था जैसे आपने किया था। ओके ये भी बनाया था मैंने सर। अच्छा सिंगल पेज, ठीक है। अपना हेडर दिखाइएगा, इंडेक्स पेज दिखाइएगा। डेस्क में यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है। जी टॉप पे जाइएगा। गेट हेडर भी ओके किया यहाँ पे हुआ है। किया हुआ है, ठीक है। ओके फंक्शंस डॉट PHP पे दोबारा आ जाए, मैं उसको एक तो मैच कर लेता हूँ। स्टाइल नेम ओके, मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक दफा ना स्टाइल नेम से पहले स्पेस को रिमूव कीजिएगा, इससे पहले जी बैक स्पेस मे भी शायद ये हो। इसको एक दफा सेव करें और जाके उसको रिफ्रेश कर दें। नो अच्छा इस पे ना टाइम काफी लग रहा है, तो ऐसा करते हैं कि ना हम क्लास के बाद एंड पे ना एक दफा मीटिंग रख लेते हैं, उसके अंदर हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेलकम। जी कुर्बान। यू। सर इन्होंने लिंक तो कर ली है, लेकिन वो स्टाइल डॉट सीएसएस मैंने देखी है, उसमें शायद स्टाइल कोई ऐड ही नहीं किया था। वो देखें अच्छा जरा, अच्छा अच्छा स्टाइल डॉट सीएसएस ओपन करें हाँ तो जी वो जी चलो जी जी पास। एक क्या करना है? इसको ओपन करें। जी आपने स्टाइल नहीं ऐड किया हुआ, यहाँ पे कोई क्लासेस ऐड करेंगे CSS की तो वो काम करेगा, बाकी आपका सारा ठीक चल रहा अच्छा सर, है। थैंक यू गुरबान। इसके अंदर कोई भी स्टाइल ऐड कर दें, CSS इसके अंदर ऐड कर दें, तो वो वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक। एक्चुअली सर मेरा भी यही इशू आ रहा है, पर मैंने जो CSS वो ऐड किया पर नहीं हो रहा अप्लाई। अच्छा आप अगर तो छोटा है तो फिर हम कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर करके ना जल्दी से दिखा दे। सर लाइट नहीं है अभी, लैपटॉप चार्ज नहीं है अभी, नहीं कर सकता, मोबाइल अच्छा पे हूँ। चलें ठीक, चलें ठीक है।
हमें देखना पड़ेगा, ऐसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, चले हम आज के इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, यस सर, विजिबल। अच्छा ऐसे है कि अब हमने कल तक जो है, जस्ट हमने कल तक काफी चीजें कवर कर ली थी। पहले पहले हेडर बना दिया था, उसके बाद हमने अपनी सारी पोस्ट को वो लूप के थ्रू डिस्प्ले करवा दिया था, उसके बाद फुटर भी बना दिया था। लेकिन हमने एक ना एक चीज होती है पोस्ट, ठीक है, ये सारी की सारी है पोस्ट। और एक और चीज होती है, एक और चीज होती है पेजेस, ठीक है, यानी कि ये पूरा पेज है, इस तरह के हम काफी सारे पेजेस बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो उस पे उन पेजेस पे जाने से पहले, पेजेस कॉन्सेप्ट समझाने से या उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले, हम यहाँ पे एक डायनेमिक जो है वो मेन्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी इस टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास अपीयरेंस के अंदर थीम्स आ रहा है, कस्टमाइज आ रहा है, थीम फाइल एडिटर आ रहा है, लेकिन हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मेन्यू का ऑप्शन क्रिएट करने के लिए, मैंने वीएस कोड में ओपन किया हुआ, जस्ट वन सेकंड, ऐप पब्लिक कंटेंट थीम्स फर्स्ट थीम। अच्छा, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम अपने फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर जाएंगे, जैसे कि हम इसको कल कर रहे थे, इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। ओके, और उसके अंदर हम ये ऐड करेंगे एक नया फंक्शन, जिसका हम नाम रखेंगे रजिस्टर मेन्यूज, ठीक है, और उसके अंदर हम एक अरे बनाएंगे जिसके अंदर हम जितने भी चाहें उतने मेन्यूज डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम सिर्फ एक ही मेन्यू जो है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ, सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट वेबसाइट मेन्यू, ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये इस तरह से लाइक की बनानी पड़ेगी कि हम किसको पॉइंट आउट करना चाहते हैं। तो हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं मेन मेन्यू को, ठीक है, ये एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है। ओके, आई फॉरगॉट टू ऐड, सर स्टाइल डॉट सी एस एस एक दफा दिखा दो स्टाइल डॉट सी एस ओवरव्यू। एस। ओके चले, हम मैं एक दफा दिखा देता हूँ। स्टाइल डॉट सी एस एस जो है उसको ऐड करने का यही तरीका है कि हम, अच्छा मैं इसको ना फिर दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई तो। जस्ट वन सेकेंड, ये हम गए बैक एंड बैक, इसके अंदर होगा एक्शंस शायद, या होगा एक्टिवेट, ठीक है, ये उसके अंदर ना कुछ फंक्शंस हैं डू एक्शन के, ठीक है, कि आपने इस मौके पर ये काम परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल डू एक्शन डब्ल्यू पी हेड के लिए ये करना है, ठीक है, वो एक्टिवेट कर देगा स्टाइल शीट को, ये डब्ल्यू पी हेड जो फंक्शन है, अगर हम डू एक्शन को कॉल करेंगे तो वो ये काम कर देगा। इस तरह ना वर्ड प्रेस के अंदर काफी सारे फंक्शन हैं जो उन्होंने डिफाइन किए हुए। अब हमने क्या किया है, जब हम स्टाइल्स शीट को डिफाइन करना चाह रहे हैं अपने थीम के अंदर, तो हमने पहले अपनी स्टाइल शीट बनाई, ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम गए यहाँ पे हेडर में, पहले हम फंक्शन पे आ जाते हैं। फंक्शन में हमने एक फंक्शन बनाया डब्ल्यू पी डॉक्स थीम नेम स्क्रिप्ट, या इसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं, हमारी मर्जी का नाम होगा, ठीक है।
और उसके बाद हमने इसके अंदर एक फंक्शन कॉल किया WPNQ स्टाइल, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो कि उसकी तरफ से वर्डप्रेस की तरफ से हमें गिवन है, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। और इसके अंदर हम एक कोई भी नाम रख दे सकते हैं। मैं इधर दे दे देता हूँ इसको चेंज करके। फर्स्ट स्टाइल्स, ठीक है, ये मैंने इस तरह से एक उसको नाम दे दिया। और उसके बाद हमने उसको ये देना है गेट स्टाइल शीट यूआरएल, कि हमारे थीम के अंदर से जो हमारा मेन यूआरएल है वो उसको आप पिक कर लें, तो उसने उसको भी पिक कर लिया। और उसके बाद हमने ऐड एक्शन कर दिया है कि जब आप स्क्रिप्ट को रन करो, WPNQ स्क्रिप्ट करो, तब मेरे इस फंक्शन को कॉल करना। और इस फंक्शन के अंदर हमने उसको बताया हुआ है कि आपने स्टाइल शीट को गेट करना है, ठीक है। और एंड पे हमने ये किया हुआ है कि हमने अपने हेडर के अंदर हेड WP हेड जो है उसको कॉल किया हुआ। ये समझ आया आप सबको? यस अच्छा, ऐसे है कि ना, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आप में से कोई इस चीज को एक्सप्लेन कर दे, मैं आके ना कंटिन्यू करता हूँ। सिर्फ 1 मिनट, आप में से कोई भी एक्सप्लेन कर दे। सर। जी, अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसकी तरफ, मेन्यू की तरफ आने से पहले मैं एक और चीज साथ ही ऐड कर देता हूँ उसके अंदर। वो है कि अगर हमने उसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, ये हमारा फर्स्ट थीम है और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ JS का, ठीक है। और मैं इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट की, या इसको रख देते हैं index.js। मैंने एक फाइल बना दी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया है, console.log, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये कोई नई चीज नहीं है, आप सबको ये आता है। मैं इसको अगर आपको कमेंट करके दिखाऊं कि यह हमने PHP के अंदर क्या किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमने किया है एको और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे करते हैं, ओके। और अगर हम जाएं अपने थीम के ऊपर जो कि हमने ओपन किया हुआ है, तो उसके अंदर कंसोल के अंदर ये नहीं आ रहा होगा। मैं आप लोगों को एक तो शो करवा देता हूँ, ये भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। कंसोल क्या है, कुछ वैल्यूज जो हम प्रिंट कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हमारी कंसोल पे आ रही होती है और ये यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम स्क्रिप्ट में जाए, सॉरी एलिमेंट्स में,
और वहां पे जाके हम चेक करें तो यहाँ पे कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट हमें इंक्लूडेड नहीं मिलेगी। तो हम ये करेंगे कि इसी के अंदर हम एक और फंक्शन ऐड करेंगे, WPNQ scripts, ठीक है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कि ये है इंडेक्स और फाइल का नाम जो भी हम देना चाहें, और उसके बाद हम जैसे हमने CSS का हमने दिया था पाथ वैसे ही हम देंगे, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, ठीक है, ये हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें इस फर्स्ट थीम की लोकेशन देगा, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें डॉट। डॉट से जावास्क्रिप्ट के अंदर कंकैटिनेशन होती है, जैसे अगर हम वन एंड वन को प्लस करें तो हमारे पास आंसर टू आता है, और वन एंड वन को कंकैटिनेट करें तो वो 11 बन जाता है, यानी कि वो जुड़ जाती है आपस में चीजें। तो हम फिर उसके बाद इसका इंडेक्स देंगे, सॉरी एड्रेस देंगे, JS के अंदर जाओ, index.js, ये हमारा एड्रेस है, ठीक है। और जैसे हमने कल किया था कि हमने ये कर दिया था और इसके बाद हमारा आंसर नहीं आ रहा था, इश्यू आ रहा था, तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम कल हम गए थे हेडर के अंदर, आज हमें इसको फुटर में करना पड़ेगा, और वो है WP फुटर। ये फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा इसके लिए कि आप जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करें। तो अच्छा, इसके जो एरर्स है ना, ये मैंने चेक किए थे, इसकी तीन चार एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लें यहाँ पे जाके, PHP के वो सारे एरर्स रिमूव हो रहेंगे। तो हम यहाँ पे आए, आई रिफ्रेश्ड इट, ओके, इट इज रिफ्रेशिंग, जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लूँ कि साइट लाइव है या नहीं है। इट इज वर्किंग, लेट्स सी। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, वरना लोड नहीं हो रही है, आई एम नॉट श्योर क्यों। मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, सबको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके ग्रेट। हे, इट हैज रीस्टार्टेड। शो में वहीं से इसको कहते हैं कि मेरे साइट पे ले जाओ। आई एम नॉट श्योर इसको क्या इशू हो गया है। स्टॉप एंड स्टार्ट अगेन। अच्छा, ये समझ आया है, ये सेम प्रोसेस है, जब जैसे इसके अंदर एक चीज का डिफरेंस है कि हम WP टेम्पलेट डायरेक्टरी को गेट करते हैं जो कि हमारे फर्स्ट थीम का पाथ दे देगा हमें, और उसके बाद गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI जो कि हमें हमारे उसका थीम का पाथ दे देगा, और उसके बाद हमें हम फोल्डर स्पेसिफाई करते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर index.js जो है
इसको आप उसके अंदर इंक्लूड कर दो। और इसके अंदर मैंने कुछ खास लिखा नहीं है, सिर्फ एक कंसोल करवाया है जो जिसको हम कहते हैं कि ये एको वर्ल्ड हो गया है पीएचपी के अंदर। तो बेसिकली ये किया है, और इसको मैंने फुटर के अंदर जाके ऐड कर दिया। और ये इसका फंक्शन है, लेट मी सी इफ आई कैन डू इट। नो, अच्छा तो ये इसका फंक्शन है, बस ये काम किया है। जितने देर में लोड होता है, आई एम नॉट श्योर व्हाट, अच्छा किसी और का बिल्कुल ठीक चल रहा है तो एडिट करना चाहे स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि मेरे एंड पे इसको ना कोई इशू आ रहा है। मैंने चीजें काफी सारी इंस्टॉल की हैं तो मे भी वो इस वजह से तंग कर रहा है। एम आई ऑडिबल? यस सर, जी, कोई मेरी जगह स्क्रीन शेयर करना चाहे, मैं उसको गाइड करता रहता हूँ कि कैसे कैसे करना है। तब तक मैं इसको साथ साथ देख रहा हूँ कि ये कैसे लाइक वही फिक्स हो जाए। जी, एनीवन? कुर्बान, आप अवेलेबल हैं? आप स्क्रीन शेयर कर सकेंगे? जी सर, ओके, काइंडली आप स्क्रीन शेयर करते हैं, मेरी तरफ ये शुक्र है। फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, मैंने जो HTML की सर हमने बनाई थी असाइनमेंट जी, दैट उसको ही मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था अभी, तो इज ज़्यादा एक्सीलेंट। सिर्फ मैंने इतना सा दिखाना है कि अगर हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करना चाहें तो आपको बताओ, वो भी सेम चीज़ है, उसको हम किस तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है। ओके जी, आप इसके अंदर वैसे ही जावास्क्रिप्ट ऐड करें जैसे आपने CSS ऐड की हुई है। लाइक आप VS कोड ओपन कर लें। अच्छा ग्रेट। हाँ, मेन डॉट जेएस लिख, यहाँ पे लिख दें कंसोल डॉट लॉग कर दें। ये कुछ भी आप कंसोल में रिटर्न करवा दें ताकि ना हम विजिबल करवा सकें। ठीक है, ओके, सेव कर दो। अच्छा, फंक्शंस डॉट पीएचपी में जाएं। अच्छा, ये जो WPNQ स्टाइल है इसको कॉपी करके एक दफा नीचे लें, मतलब इसकी सेम लाइन जो है वो दोबारा से लिख लें। अच्छा, और इसके अंदर जो गेट स्टाइल शीट URI है इसको कर दें गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। नहीं, ऐसे नहीं है, जैसे ऊपर वाले वैसे ही है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, आपने इंस्टॉल की हुई है वो एक्सटेंशन, तो वो आपको दे रहा है। और जी बिल्कुल, आगे डॉट आएगा और वो आप एड्रेस लिखें /js/main.js जैसे आपने बनाया। नहीं, ये JS के फोल्डर के अंदर है तो JS देना पड़ेगा। थैंक यू शम्स।
फिर मैंने अभी एक्चुअली साथ साथ कर रहा था तो मेरी फाइल कुछ मिसिंग है, तो ओके, यही कौन सी मिसिंग है? मिली। फुटर मिसिंग है, तो इसके अंदर आप फुटर बना दें, बड़ा सिंपल सा है। H1 नहीं आएगा, फुटर ही आएगा। हाँ जी, एंटर कर दें, दिस इज फुटर लिखते हैं, और इसके बाद इस ऐड कर दें गेट फुटर स्पेस PHP। अच्छा, इसको इसमें से किसी को कोई चीज ना समझ आ रही हो तो पूछ लीजिएगा। तो ये ठीक है अभी तक जो मैंने किया। अच्छा जी जी ठीक है, इसको रन कीजिए। ओके, शम्स ने ना एक मिस्टेक हाईलाइट की हुई है, अब एक दफा तो इसको रन कर दें। वो ये है कि हमने इसको करना था सिंगल कोट्स में, हमने डबल कोट्स में किया हो, लेकिन फिर भी आप इसको इसको एक दफा रन कर दें। ओके, गो टू द फुटर। इसमें नहीं, फंक्शंस डॉट PHP के अंदर। जी कर जी दें। जी सर, क्या करना था जी जी रन इसको? की सिंगल कोट्स में ही है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे वाला भी फिर हम ऐड कर देते हैं अगर ये नहीं चलेगा। वो है कि एक आप एम्प्टी अरे लिखते हैं, कॉमा अरे ब्रैकेट क्लोज कॉमा 101 कॉमा ट्रू। वन जीरो वन सॉरी वन वो ये वर्जन लिखना है इसका, आप जिस भी लिखते हैं 1.1 या 1 लिखते हैं, और उसके बाद कॉमा ट्रू करते हैं। हाँ, ऑल भी ठीक था, चलो ओके ग्रेट। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ये किया है कि सबसे पहले हमने इसको बताया कि ओके, आप इसका नेम सेम दे रहे हैं, नेम इसको चेंज कर दें, मेन स्टाइलिंग से कुछ और करते हैं, मेन लॉजिक करते हैं, कुछ भी मेन JS, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफा कि हमने क्या किया है। जैसे हमने CSS को इंपोर्ट किया था मेन स्टाइलिंग, सॉरी मेन स्टाइलिंग नेम दे के, और गेट स्टाइल शीट URI, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही स्टाइल डॉट CSS यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो हमने उसके आगे उसका कोई पैरामीटर नहीं पास किया, ना हमने बताया कि कौन सी करे, तो उसको पता है कि स्टाइल डॉट CSS जो एग्जिस्ट करती है वो उसी को पिक कर लेगा। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI किया, जिससे उसने फर्स्ट थीम का URL हमें रिटर्न कर दिया। जहाँ पे भी आपका थीम के अंदर फर्स्ट थीम पड़ा हुआ है, जो भी आपने थीम बनाया उसका यूआरएल आ गया। उसके बाद हमने बताया उसको कि हमने इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर रखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर, JS के फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर हमने रखा हुआ है मेन डॉट JS, ये फाइल है हमारी। उसके बाद हमने बताया कि ये जो अरे है, मतलब कि आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर कितनी सब फाइल्स हैं, ये सॉरी ये डिपेंडेंट कितनी फाइल्स पे है, हमने ये बताया। और इसके बाद हमने इसका वर्जन बताया, और इसके बाद बताया कि ये पोर्ट्रेट मोड है या सबके लिए टू, हमने इसको बताया। इसको रन कीजिएगा वापस आके। जी मैम, आपना आपका कोई क्वेश्चन था? सर इसमें ना, सर इसमें हम ये मेरे ख्याल से ओके, ब्रैकेट एलिमेंट्स में में जाके चेक कीजिए कि ये ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट में मतलब इसके अंदर क्या। मे भी ये कंकैटिनेट कंकैटिनेट ना होना हो, और यहाँ पे इसमें आना हो शायद, मुझे ऐसा नहीं लग नहीं रहा है इसके अंदर कि
इसके अंदर नहीं आना। अच्छा ऐसा करें, आप ना जाके अपना इंस्पेक्ट में ना फुटर चेक कीजिए, वहां पे इंपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा एलिमेंट्स में। यहीं पे, यहीं पे, वहीं था। जी इसको एक्सपेंड कीजिए, ये वाला नहीं, उसके साथ जो छोटा सा, जी बिल्कुल इधर से। ओके लिंक स्टाइल शीट, ओके स्टाइल शीट, ओके उसके बाद डुप्लीकेट मेन डॉट सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, जी जावा स्क्रिप्ट आपकी बिल्कुल इम्पोर्ट हो रही है। स्क्रिप्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट स्टाइल, ओके मिन, सर इंक्लूड के बाद ना डब्ल्यू बी इंक्लूड के बाद जेएस आ रहा है, फिर आ रहा है होवर इंटेंट, और उसके बाद जेएस डॉट मेन डॉट इस तरह कुछ आ रहा है। ये अपनी जो उसकी है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लाइक जो वर्डप्रेस की अपनी है। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। शम्स आप बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या इशू आ रहा है? इफ यू थिंक देयर इज समथिंग वी आर मिसिंग। जस्ट अस्सलाम वन वालेकुम सेकेंड। सर, वालेकुम सलाम। जी जी आई थिंक मुझे लगता है जावास्क्रिप्ट का वर्जन भी लिखना होगा, 1.1 समथिंग कुछ मिसिंग कर रहे हैं, वो 1 लिखा हुआ है, वो मेंशन कीजिएगा ओके शायद हो जाए। कहाँ सर लिखना है वर्जन, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का वर्जन तो नहीं है ये उसका वर्जन है कि हम कौन सी थीम को जावास्क्रिप्ट दे रहे हैं। तो इसको 1.0 जैसे आपने लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ, इसको 1.1 कर दें। जी अब रन कीजिए और ये चेक कर लें कि आपने उसके अंदर इंपोर्ट किया हुआ है, लाइक फर्स्ट थीम के अंदर। जी अब कंसोल चेक कीजिएगा। अच्छा इसको छोड़े, कंसोल चेक कीजिएगा एक दफा, अगर वहां पे हमारा कंसोल डॉट लॉग आ रहा है तो। ओके इट्स नॉट लोडिंग। सर वो एनक्यू स्क्रिप्ट तो नहीं है ना, जावास्क्रिप्ट का जेसीएस स्क्रिप्ट तो जी बिल्कुल, सॉरी, थैंक यू। इसके अंदर ये आएगा डब्ल्यू पी एन क्यू स्क्रिप्ट, डब्ल्यू पी एन क्यू स्टाइल नहीं आएगा, एस सी आर आई पी डी, एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। जी अब एलिमेंट चेक कीजिए। ओके ओके अच्छा कंसोल दोबारा कीजिएगा। शो मोर, शो शो टू मोर फ्रेम्स, क्या ये एरर दे रहा है? इन इट, ओके अनोनिमस, चलें ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि क्या इसको इशू आ रहा है, लेकिन द थिंग इज कि हम इसके अंदर इसी तरह से जावास्क्रिप्ट को जो इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा सर। इस हम एक सर जी जी एक एक सर मुझे सर फंक्शन है तो मैं देख वो ट्राई कर लूँगा जरा, शायद जी थीम थीम यू आर आई भी। अच्छा आई एम नॉट श्योर कि इसमें क्या इशू आ रहा है। इसकी अगर हम डिबगिंग में जाते हैं तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा,
आप इसके अंदर ना जो मेन्यू हमने रजिस्टर करना है उसकी तरफ चलते हैं। इस फंक्शन के एंड पे ना आप ये लिखिए कि सॉरी ऐड एक्शन के बाद रजिस्टर नया मेन्यूज। हाँ जी अंडरस्कोर है किसके अंदर रजिस्टर अंडरस्कोर नैव अंडरस्कोर मेन्यू ब्रैकेट जैसे ऐड एक्शन हमने किया ना इसी तरह मेन्यूज। जी अच्छा लोकेशन इसको कार्ड के ना अरे एक देते हैं ARRAY ब्रैकेट ब्रैकेट। अच्छा इसके अंदर आप दे दें पहली फर्स्ट थीम ब्रैक सॉरी कोर्ट्स में फर्स्ट थीम मेन मेन्यू अंडरस्कोर डाल दे रहे हैं। अच्छा ये जो लिखा ना आपने फर्स्ट थीम मेन मेन्यू इसके आगे आएगा एरो और एरो और इज इक्वल टू सॉरी एरो और लेस देन जी। अब दोबारा से आएगा और वो ब्रैकेट क्लोज नहीं होगी वहां पे जहां पे आपने कर दिए। जी अब यहां पे आएगा मेन मेन्यू क्या मेन स्पेस मेन्यू ठीक है और एंड पे इसके ना वो दे दें आप सेमी कॉलम। अच्छा ये आपकी एक अरे क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है ओके ग्रेट। अच्छा ये स्पेसेस रिमूव कर दें और ना अब वर्डप्रेस के उसके अंदर चले जाएं डैशबोर्ड में तो क्या रिमूव करना चले रहने तो ये एंड पे स्पेस दी हुई थी लेकिन मेन मेन्यू में डैशबोर्ड में चले जाएं। तो वो दो आर्ग्यूमेंट्स मांग रहे हैं आई थिंक के वहां पे ना कोई चेंज आया है। अच्छा इसके अंदर जाइएगा नैव मेन्यू डॉट PHP में वो जो उन्होंने दिया हुआ था एड्रेस सर कहाँ पे? अच्छा अच्छा ऐसा करें कि ना एक और मेन्यू डिफाइन कर दें मेन मेन्यू के बाद कॉमा डालें इसके अंदर ही कॉमा और फर्स्ट थीम फुटर मेन्यू फुटर मेन्यू और वैसे ही और एंड फुटर मेन्यू। जी इसको रन कीजिएगा सेव करके उधर वेब वापस आइए। ओके आई थिंक ये वर्जन का इशू है जो वर्जन अपडेट हुआ है उसकी वजह से इशू आ रहा है। अच्छा खैर फर्स्ट थीम ऐप पब्लिक ओके फर्स्ट वेबसाइट ऐप पब्लिक WP इंक्लूड्स मेन मेन्यू नया मेन्यू। अच्छा इसके ना सेम इस यूआरएल पे जाइए जो ये बता रहा है नया मेन्यू डॉट PHP के अंदर जाना है हमें WP इंक्लूड्स में बैक ऐप में और यहाँ पे आप वो खोल दें मेरे हिसाब से VS कोड पब्लिक में
सर मे बी इस वजह से एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया हुआ। आप ना इंडेक्स डॉट पी एच पी ओपन कीजिए। और जी यहाँ पे राइट कर दीजिए कहीं भी कि डब्ल्यू पी नैव मेन्यू, उसके अंदर अरे और थीम लोकेशन। यहाँ पे कहीं भी राइट कर दीजिए पीएचपी के अंदर। सर आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। आपको चैट नजर आ रही है? मैं ना चैट में एक चीज राइट कर दूं, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा ये इतना राइट कीजिए जो चैट में मैंने लिखा है, उसके बाद एक और चीज़ भी है मैं लिखा हूँ। ये मिल गया आपको? जी सर, सर कहाँ पे ये पेस्ट करना है? कहीं भी करते हैं। ओके स्टार्ट। हाँ जी कर दें। अच्छा इसके अंदर एक और आर्गुमेंट दें, वो मैंने ब्रैकेट नहीं डाली, उस ब्रैकेट पे डाल दें अरे की ब्रैकेट। सर पूरी आई थिंक कहाँ पे रहेगी, मतलब एक ये भी जी आएगा रे में। जो इनर अरे है उसकी ब्रैकेट। देखिए ओपनिंग ब्रैकेट डालनी है, क्लोजिंग डली हुई है यहां से यहां तक, वो जो ठीक अंदर है सर, अंदर ठीक वाली अरे। जी ठीक है ओके अब इसके बाद आगे ना एक और आर्गुमेंट दे दें कॉमे के बाद अरे के अंदर ही, डेप्थ इज इक्वल टू 2। दूसरी तरह लिखें इसको स्ट्रिंग में। नहीं, इक्वल टू 2 जो है वो दूसरा लिखें, जो जैसे आपने फर्स्ट थीम का किया हुआ। यहां से बाहर निकाल दें। इस तरह से इससे बाहर निकाल दें कोड से। देखें ये जैसे ये लिखा हुआ है ना, इस तरह से बाहर निकाल दें। सही है सर। जी अब जी जी ब्रैकेटिंग जो है वो ब्रैकेट के आगे कॉमा लगा दें। यहाँ पे नहीं दूसरा वाला सेमी कॉलन, सॉरी इससे बाहर एंड पे। अच्छा बहुत ठीक। जी रन कीजिएगा।
ओके, दोबारा इसी लाइन पे चले जाएं फिर। ये जो लाइन आप ढूंढ रहे थे लोकल के अंदर, लोकल फर्स्ट फ्रेश WP इंक्लूड्स नेव मेन्यू PHP, यहाँ पे जाके ना वो बता देगा कितने आर्गुमेंट सही हैं उसको किस तरह से चाहिए। जी तो दोबारा से उसमें देख लीजिए कि WP इंक्लूड्स के अंदर क्या था। नया मेन्यू .php, डायरेक्टली वही ओपन कर अच्छा, इसमें ना फंक्शन ढूंढे क्या हमने राइट किया था, WP नेव मेन्यूज, WP नेव मेन्यूज नहीं, हैज नेव मेन्यू नहीं, 1136 लाइन नंबर कह रहे थे जी, ओके ये है हाँ उसने लोकेशन और डिस्क्रिप्शन मांगी हुई है जी, यही है ना, रजिस्टर नेम मेन्यूज के अंदर। ओके, रिट्रीव ऑल रजिस्टर। ओके, अच्छा हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया है, हम इसको ना कल डिस्कस करेंगे, बाकी जिसके इश्यूज हैं वो लाइक इसके बाद मीटिंग करते हैं तो उसमें रिजॉल्व कर लें।